आज देखिए दिल्ली ड्रैगन्स और राउडी बैंगलोर में घमासान मैच। ये आउट है यार। नॉट आउट। ये नॉट आउट था। कौन है सब? जहां सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार है राउडी। नॉट आउट। इट्स आउट। ओह इट वाज क्लीन टच। एजाज भाई आप कविता के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टीम को आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप वहाँ पे कविता को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप ये एजाज? आज सुबह सुबह कुत्ता खा के आई है क्या? हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता, किसी किसी में सांप भी होता है, काट लेता है। सारा और कीश्वर में होगी कैट फाइट। ऑफ कोर्स है, कम ऑन यार, हम लोग बेवकूफ तो है नहीं ना। खेलो ही मत ना मैच, फिर जीत ले लो, ले लो। Welcome to India's first ever sports reality entertainment show, jiska naam hai Rockley Presents Box Cricket League, co-presented by Lawman Pastry, powered by Fog Black Series. Aur aaj ka romanchak match hai between Delhi Dragons and Rowdy Bangalore. दिल्ली ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा टफ टीम है, उन लोगों की बैटिंग उन लोगों की बॉलिंग दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। यार उनके ऊपर ना प्रेशर बहुत है, वो तीन मैच हार चुके हैं, उनके लिए डू ऑर डाई है। यहाँ पे आज सब राउडी बैंगलोर है और जो भी करेंगे हम मिलके करेंगे। जाहिर सी बात है अगर वो रहेंगे अपने पिच पे करेंगे, बकवास करेंगे, बकवास बोलेंगे हम लोगों को, तो दोनों बैट्समैन ने साइड पे हट जाना और पिच पे बैठ जाना। मतलब काम करो तुम, खत्म। आज का सारा राउडीनेस हमें हमारे बैट पे और बॉल पे निकालना है और फाड़ देना। सबसे पहले आ रहे हैं अब तक तीन मैच जीत चुके और सबका दिल भी जीत चुके दिल्ली ड्रैगन। इंडीज की आप लोग बहुत उम्दा खेलते हैं, इनफैक्ट आपकी तो गेंद ही दिखाई नहीं देती और आप लोगों से अब सारी टीम्स डर गई हैं। एक खौफ का माहौल आप लोगों ने पैदा कर दिया है, लेकिन इतना क्या सीरियसनेस यार? सुयश तुम्हारे चेहरे पर तो मैंने हंसी पागलपन ये देखा ही नहीं। मेरा ये मानना है कुछ भी करो, स्पेशली क्रिकेट फॉर मी, मैं बहुत सीरियसली खेलता हूँ यार, अदरवाइज खेलने का फायदा नहीं है। I think this is the reason Delhi तीनों मैच जीती है और जीती जाएगी। पर अभी राउडी बैंगलोर आने वाले हैं और obviously आप बहुत सीरियस हैं और वो भी बहुत सीरियस है, पर अलग अलग अंदाजों में सीरियस हैं। तो आप जो वो करते हैं सीरियसली, वो कैसे आप कोप करोगे इसके साथ? Well, I think उनकी पूरी टीम ने पूरे BCL में सिर्फ स्लेजिंग की प्रैक्टिस की है और हम लोग क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, सो जिन जिन ने जो जो प्रैक्टिस किया वो करेंगे। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो बैंगलोर की टीम है उन्हें स्लेजिंग करने का मौका कब मिलता है? 17 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं, 2 ओवर में बनाते हैं, तो 15 मिनट में कितनी स्लेजिंग करें? ऐसे करते हैं उनको यहाँ बुलाते हैं और आपको खुद ही पता चल जाएगा कब उनको वक्त मिलता है स्लेजिंग का। बिना कोई वक्त अब जाया किए हम बुलाते हैं, 2 ओवर में शायद आउट हो जाएंगे ये लोग, राउडी बैंगलोर टीम। अधूरी अधूरी सी नहीं लग रही इनकी टीम? बहुत ज्यादा। कविता देखो कौन मिसिंग हो सकता है? आपके फेवरेट एजाज। देखिए ऐसा है, हमने राखी और एजाज को ना बाहर भेज दिया थोड़ा घूमने के लिए। आपने उन दोनों को एक साथ भेज दिया है तो फिर तो वो एक पूरी क्रिकेट टीम लेकर ही वापस आएंगे।
अरे ये क्या किया आपने, इतने सारे राखी और एजाज नहीं। तारा आप तो सपने लेके आए थे यू नो जीतने का। अभी भी हम पूरी तरह हारे नहीं है, अभी भी हमारा एक मैच बाकी है। सारा आज आपके सामने दिल्ली ड्रैगन्स हैं। ऑफ कोर्स यस, लुक एट द फेसेस, कितने डरावने लग रहे हैं ऑलरेडी, इतने गुस्से में देख रहे हैं। कहाँ जाएंगे हमें यार, ऐसे मत कर। देखिए ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है ना, तो हम पानी की बॉटल साथ लाएं पानी डालने के लिए उसके ऊपर। पानी से आग नहीं बुझेगी। बुझेगी बुझेगी ना, अच्छे खेल से बुझेगी। ये हम जरूर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह इस मैच में, राइट, क्योंकि आज डू और डाई सिचुएशन है, सो वी हैव टू फेस दैट। सो लेट्स गेट द अदर टीम इन। दोनों टीम्स आमने सामने हैं, तो अब बिना कोई वक्त जाया किए मैं आपके सामने लाऊंगी हमारा फॉग हियर टू डेयर, और उसके लिए राउडी बैंगलोर से सामने आ जाएं चेष्टा, और दिल्ली ड्रैगन से किश्वर आ जा बेबी। हमारा आज का फॉग हियर टू डेयर है, मार दिया जाए या फोड़ दिया जाए। घबराइए मत, आप दोनों को एक दूसरे को मारना या फोड़ना नहीं है। आप दोनों के पाँव में कुछ गुब्बारे बांधे जाएंगे और आपको अपने गुब्बारे बचाते हुए दूसरे के गुब्बारे फोड़ने हैं, पाँव से हाथ से नहीं। अगर किश्वर सारे गुब्बारे अगर चेष्टा के फूट जाते हैं तो मतलब आप जीत गई, और अगर आप सारे इनके फोड़ देती हैं या ज्यादा फोड़ देती हैं तो आप जीत गई। आइए जी गुब्बारे बांधिए। Ready to go and 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much. Let's get you guys to your dugouts. Captain, stay with us. ये है हमारा बॉलीवुड सिक्का। एक तरफ है बंटी, तो दूसरी तरफ है बंटी और बबली, बंटी और बबली। राउडी बैंगलोर ने चूज किया था बंटी, और सिक्का बोल रहा है बबली, तो क्या कहती है दिल्ली? I'll थोड़ा सा चेंज माय strategy, I'll go for bowling first. Thank you very much and good luck to both teams. Let's get to the match. BCL में होगी 10 ओवर की बाजी, और इस बाजी को खेलने के लिए टीम में 8 लड़के और 3 लड़कियां होनी जरूरी है। बैटिंग करते हुए 4 पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना है जरूरी, और ऐसे ही बॉलिंग करते हुए पहले 4 ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है। ओवर 5 या ओवर 6, बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है, और चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको 0 रन्स। वैसे दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि अभी तो हमारी जेब में, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी टीम है, बट मुझे नहीं लगता कि वो 10 ओवर के मैच में 5 ओवर से ज्यादा टिक पाएंगे। जय करो शेरावालिदा, बोल साचे दरबार की जय। ऑलराइट देन, इट्स दिल्ली वर्सेस राउडी बैंगलोर। यू नो व्हाट रुचि, हां पार्षद, यार दिल्ली वालों ने इतनों की राउडीनेस निकाली है, धो डाला है, लेटा लेटा के लिए। ये बैंगलोर तो क्या ही चीज। क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं आज राउडी बैंगलोर मैदान में, पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं, राउडीनेस में जाने के लिए आ रहे हैं। ये बात मैं मानती हूँ।
सारा के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा है, सारा चिंता में है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता आ राइट अ मोटिव प्ले बॉल। साहिल अंकोला इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन बीसीएल। अभी देखना कैसे पकौड़े लगाते हैं बैंगलोर के। पहले बॉल पर कोई रन नहीं। क्या कर रहे हो राउडीज? कुछ करो, थोड़ा राउडी बना दिखाओ। हो गई है और अभी तक बैंगलोर ने खाता नहीं खोला है। सिंगल लो है। अंकित बेटा, एक्स इंडियन टीम के बॉलर को खेलना इतना आसान नहीं है। क्या बात है सरल भैया, क्या बात है। राउडीज बॉक्स 10 को टेस्ट मैच की तरह खेल रहे हैं। साहिल अंकोला का खौफ है भाई। ये ओवर मेडन ओवर होने वाला है। ड्रैगन्स का बहुत खौफ है राउडीज को। मेडन ओवर, पहला ओवर और एक भी रन नहीं बना पाए। तुमसे ना पाएगा जितने कमाल है यार। साहिल अंकोला, साहिल भैया ऐसे थोड़ी बोलते हैं इनको। पारस, पहला ओवर मेडन ओवर था और मैं यहाँ सुन रही हूँ कि डगआउट में आप लोग थोड़े नाराज हैं कि साहिल अंकोला जो एक एक्स क्रिकेटर हैं। Of course he is a ex cricketer और अभी एक्टिंग में आ चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक प्रोफेशनल को वहाँ पे खिलाया जा रहा है अभी हमारे अगेंस्ट, जो कि बहुत ही गलत है। पहला ओवर मेडन ओवर, माई गॉड। एंड BCL का पहला प्रॉपर मेडन ओवर। बैटिंग एंड पे आए हैं अब सैलेश, देखते हैं ये क्या गुल खिलाते हैं। नो बॉल, टू रन। एक्चुअली चौधरी अपने टीम वालों को बोलना चाहते हैं, नो बॉल ओनली बैट्स, मैं बैटिंग ज्यादा अच्छी करता हूँ। ओह माय गॉड, कैप्टन के हाथों से ये कैच मिस होना, ऐसा ना होना। ये एक्शन रिप्ले में किस तरह से ये कैच मिस हुआ है कैप्टन सुयश के हाथों से। सुयश ने ड्रॉप किया, हाउ कुड ही। ये होता है पार्टी करो और करो पार्टी। सुयश पार्टी करके आया, पूरी टीम ने पार्टी किया कल। थर्ड अंपायर पे चली गई है बात, देखते हैं क्या डिसीजन होता है। लगता है बाल बाल बच गए सैलेश। नॉट आउट, नॉट आउट। हमारा मैच भाई लोगों की टीम से है जो बहुत दादागिरी करते हैं फील्ड पे, एक भी रन उन्होंने बैट से नहीं बनाया। दो ओवर्स हो चुके हैं, अगर उन्हें रन्स मिले तो वाइड्स के रन्स मिले, नो बॉल के रन मिले, लेकिन बैट से एक भी रन नहीं बना। दूसरा ओवर पूरे हो जाने पर 15 रन है जो कि राउडी बैंगलोर के पास में आ चुके हैं। चलो कम से कम 17 रन तो बना ही लेंगे, 17 से ऊपर तो पहुंच ही जाएंगे। पहला रन है ये जो कि राउडी बैंगलोर ने बनाया है, ये पहला रन है। आई थिंक हमारे आज ऑडियंस में भी सब दिल्ली फैंस बैठे हुए, दिल्ली सपोर्टर्स बैठे, क्यों दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं क्या यहाँ पर बैठे हुए? यार जब बाउंड्री पे श्रुति खड़ी हो, दिल्ली को कौन सपोर्ट ना करे। लेकिन ऐसा नहीं है यार, सारा खान, चेष्टा, आशिता, ये सब के सब नहीं। बैंगलोर के डगआउट में भी तो खड़े। श्रुति, एकता और प्रिया के सामने सब फेल है। क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम ये कह रहे हो कि इनके सामने सारा फेल है, आशिता फेल है, चेष्टा फेल है। डोंट मेक अ पर्सनल कमेंट। अरे क्या बोला मैंने सर?
हमारे सामने अपना ये झगड़ा निकालने के बजाय वही अग्रेशन फील्ड पे दिखाई दे तो ज्यादा अच्छा नहीं। I'm not talking about the game. रन बन रहे होते सब सही हो रहा होता। Don't take my name. Don't take my name. पर्सनल कमेंट है ही नहीं। गेम की बात हो रही है कि इनके सामने आप लोग का गेम नहीं टिकेगा, आप उसको पर्सनली ले रहे हैं। That's your mindset. दादागिरी जो भी करना है उन्हें, वो मैच के पहले करे या बात करे, ये क्रिकेट मैच है, खेल के दिखाएं, तब हम समझेंगे कि वो अच्छे प्लेयर हैं। है धासु एटीट्यूड वाली है, जो था मैं हम बल्ला को समझो दिवाली है। बचपन में बोला जाता था ना कि खुद से कंपटीशन रखो, अगर अगर बैंगलोर का खुद से कंपटीशन होता तो जरूर आज खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि 18 रन पे पहुंच गए बैंगलोर, 17 पे ऑल आउट नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ जी, रोक सको तो रोक लो, दिल्ली वालों सबको ठोक लो। भाई हमारा तो काम जले पर नमक छिड़कना है, अब बस आशिता रोने ही वाली है। Alright, धीरे धीरे slowly टिके रहना है पुरु, not bad, going great. पुरु एक बार man of the match भी बन चुके हैं, 89 runs बनाए थे उन्होंने उस match में जिसमें पुरु चिब्बर man of the match बने थे। तीसरा ओवर पूरा होने पर 18 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। BCL रूल्स के अकॉर्डिंग पहले चार ओवर्स में से एक लड़की को ओवर करना जरूरी है। श्रुति उल्फत करेंगी अब ये गर्ल ओवर। अब तो लड़की की बॉल भी नहीं खेली जा रही राउडी से। There comes Ejaz Khan. Give it up for Ejaz. Bangalore के dugout में। तुमने किस नोटिस की रुचि? वही जो तुम कह रही हो। अभी तक तीन ओवरों में एक बार भी किसी ने बैंगलोर को सपोर्ट नहीं किया था। The moment Ejaz भाई entered, सब Ejaz भाई के हो गए। तभी तो है एक नंबर। एक नंबर। थोड़ी सी cheering ही सही जो Ejaz के कारण यहाँ पर हो रही है, maybe उसके कारण थोड़ा मनोबल बढ़ जाए और बल बढ़ जाए बैटिंग में। It's a six. लड़की की बॉल पर ही सही, लेकिन छक्का तो लगा। रिप्ले में देखिए, ये रिप्ले देखना बनता ही है यार, कभी कभार ही होता है ऐसा। लड़की की बॉल पे छक्का मार के इतने खुश हो रहे हैं, पर बनता है इनका 17 पर जो ऑल आउट हो जाते हैं, तो उनके लिए तो हर रन ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ भाई साहब, इतना लंबा छक्का। एक और छक्का, what a flabbergasting shot. चौथा ओवर पूरा हो चुका है, 43 रन्स पे राउडी बैंगलोर फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। और अब आ गया है चैलेंज ओवर। अरे भाई क्या कर रहे हो? पुरु पुरु दोबारा मैं बोलता हूँ, ये स्ट्राइक लेना, ये भी मार सकता है, पता है मुझे। देख अगर रिस्क नहीं है चार रन होने चाहिए, दस करण भाई, दस करण भाई। चैलेंज हुआ, 10 रन चैलेंज है, बोलर ने मिस करण वाहिद। 10 रन का चैलेंज दिया है करण वाही को। चैलेंज पूरा हुआ तो 20 रन, नहीं तो इस ओवर में 0 रन बैंगलोर के। और ये जोरदार छक्का, दस रन का चैलेंज एक तो लिया है इन लोगों ने, सिर्फ 10 रन का, बिकॉज़ दे थॉट कि 10 रन भी शायद ही बना पाए, और वाही की बॉल पर हम लोगों ने बना लिया, तो मैं वाही को बहुत मानूंगी। ओहो सुयश आ गया, इसकी बॉल दिखती नहीं भाई, इसने 12 ओवर में 6 रन दिए। Ejaz भाई आप कविता के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टीम को आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप वहाँ पे कविता को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप Ejaz? आज सुबह सुबह कुत्ता खा के आई है क्या? हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता, किसी किसी में सांप भी होता है, काट नहीं का।
10 रन का चैलेंज, छक्का ऑलरेडी लग चुका है. कम ऑन बैंगलोर, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन, गो फॉर इट. चैलेंज कंप्लीट. 20 रन मिलेंगे इस ओवर में बैंगलोर को. चैलेंज अचीव. पांचवा ओवर पूरा होने पर 63 रन बन चुके हैं फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट. राउडी बैंगलोर टीम का चैलेंज जीतने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है. चौधरी साहब आ गए. उस दिन इजाज भाई अकेले थे दिल्ली के अगेंस्ट, आज पूरी टीम है. प्ले बॉल. क्या स्विंग कर रही है बॉल. उफ है, एग्रेशन है धासु, एटीट्यूड मवाली है. जो था मैं हम बल्ला को समझो दिवाली है. रफ्तार हमारे बॉलर्स की ना पड़े किसी के पल्ले. सच बताऊं तो उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ऐसा नहीं है, हमारे बैट्समैन भी अच्छा खेल रहे हैं, अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं. फिलहाल तो सिचुएशन थोड़ी सी डावाडोल है. चलिए, तो जैसे पहले चार बैट्समैन में से एक लड़की का होना जरूरी होता है, तो अब समय आ गया है एक लड़की के बैटिंग पर आने का. सारा बोझ अब सारा पर. नन्नी सी जान सारा चौधरी की बॉल कैसे झेल पाएंगी. क्या बात है, गुड रन सारा, गुड रन सारा. सारा ने बहुत अच्छा खेला, उसने आदू की बॉल खेली और रन लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है. बट आई थिंक आदू जैसी फॉर्म में आएगा सब के सब उड़ने वाले हैं. कोई नहीं, कम ऑन बॉयज. छठा ओवर पूरा हो चुका है, 72 रन बन चुके हैं एंड दो विकेट जा चुके हैं. कोई बात नहीं यार, इसकी बॉल दिखती नहीं भाई. इसने 12 ओवर में 6 रन दिए. सुयश की बॉलिंग का आतंक, डॉट बॉल. सुयश के ओवर में चौके छक्के लगना तो मुश्किल है, बस विकेट बचा के बैंगलोर. फुल ऑन आउट की अपील कर दी है दिल्ली ने. हाउ वाज दैट नॉट आउट. ये नॉट आउट था. सब ऋत्विक भड़क गए हैं अंपायर पे. चलो अंपायर है. टीम दिल्ली अंपायर के नॉट आउट डिसीजन से बहुत नाराज है. इजी बॉय. आई डोंट थिंक ही इज गिविंग आउट द राइट डिसीजन. मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं. वी विल हैव टू ऑफ कोर्स लिसन टू द अंपायर. भले अगर अंपायर को खुद को क्रिकेट ना आता हो तो क्या फर्क पड़ता. प्यार से बॉल पीछे वाली बाउंड्री पे, दो रन मिलेंगे. सेवेंथ ओवर की समाप्ति पर 75 रन फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स. हम आने वाले ये जो 3-4 ओवर बाकी हैं, उसमें प्रूव कर देंगे कि हम 170 प्लस या 180 प्लस मार दें तो ये गेम हम डेफिनेटली जीत सकते हैं. आखिरी 4 ओवर में लड़की को एक ओवर करना जरूरी है. ये गर्ल ओवर कर रही है प्रियावाल. बैटिंग पर है सारा. बहुत आसान कैच था ये. दिल्ली वाले सेलिब्रेशन मोड में ऑलरेडी आ चुके हैं. उन्हें लग गया है कि राउडीज 100 रन के ऊपर स्कोर नहीं बना पाएंगे. श्रीकांत मस्की आए हैं सारा की जगह. प्रिया का ओवर कंटिन्यू होगा. कौन वाले स्ट्रेट बॉल्स. And shot, see that, छक्का. टीम बैंगलोर गर्ल का फायदा उठाकर कुछ रन इकट्ठे कर सकते हैं. सुपर छक्का.
कहाँ चली गई भाई बॉल आखिर? स्कोर आफ्टर 8th ओवर 103 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 100 तो पार कर गए राउडी बैंगलोर. आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो कि सट्टे हार गए होंगे क्योंकि सब लोगों ने यही कहा था दिस 17 बनाए चल 25 पे तो ऑल आउट हो ही जाएंगे. अच्छा 25 नहीं चल तेरी ना मेरी 50 पे ऑल आउट हो जाएंगे. चलो 100 बन गए थैंकफुली. 200 बनाएंगे फर्स्ट राउंड में फर्स्ट मैच में. अरे वो रात गई बात गई सारा रात गई बात गई ना 17 भी क्यों गिने जा रहे हो यार. चलिए आज देखते हैं आज रात की बात देखते हैं कैसी होती है. चलिए मस्की तुमसे ना खेली जाएगी सुयश की बॉल. अभी मैं देखना चाहती हूँ मस्की भी ऐसे मारे बॉल को कि मसक कली की तरह बॉल उड़ करके बाहर चली जाए. कम ऑन मस्की वी वांट टू सी मसक कली. थर्ड अंपायर साहब डिसाइड करेंगे कि रन आउट है या नहीं. शायद बच गए. नॉट आउट गाइस. नॉट आउट. राउडीज ले सकते हैं चैन की सांस. पंगा मत ले वरना बैंड बज जाएगा. एजाज भाई आप कविता के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? हाँ. यहाँ पे टीम को आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप वहाँ पे कविता को सपोर्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं आप ये एजाज? आई डोंट नीड सपोर्ट. अरे रुचि जी काय को आप काय के लिए आज सुबह सुबह कुत्ता खा के आई है क्या? वेजिटेरियन हूँ मैं एजाज पक्की वेजिटेरियन. हर बिल में हाथ नहीं डालने का सब में चूहा नहीं होता किसी किसी में सांप भी होता है काट लेता है. क्या वो आप हैं? बट आई लव यू रुचि. अरे एक मिनट रुकना यार. चलो कम ऑन सर कम ऑन कम ऑन. Superb shot, 6 run. एक छक्के से एजाज इतने एक्साइटेड हो गए हैं सीधा फील्ड पे पहुंच गए हैं. क्या पुरु मेरी जान इसको मारा छक्का. इतनी लंबी आउट स्विंग मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है. रीप्ले में एक और बार दिखाएंगे इसे. यार मैं इस बात पे पक्का कह सकता हूँ कि इसके बाद कॉल आने वाला है किसी ना किसी का बीसीसीआई से कि ये लड़का हमें चाहिए ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए. सुयश इंडिया नीड्स यू ब्रो. सुयश इंडिया नीड्स यू ब्रो. 9th ओवर के बाद स्कोर 115 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अगर एक बार फिर से पुरु हो जाते हैं शुरू तो गुरु ये मैच जो है उसमें अभी भी ट्विस्ट आ सकता है. 6 बॉलें भी बहुत कुछ बदल सकती हैं. बट सलील भैया की बॉलिंग पे ये होना थोड़ा मुश्किल है. यस द हाईएस्ट विकेट टेकर. रन आउट. ना पड़े किसी के पल्ले. तुमसे ना पाए. मस्की हो गया है फुस्की. अब कौन आएगा लेने जगह उसकी. मस्की की जगह आए हैं असलम भाई. हमारे लिए बहुत कम है तो जब तक ये लोग थोड़ा स्कोर नहीं बनाएंगे तो चेज कैसे करेंगे. कोई नहीं सलील भैया इंटरनेशनल लेवल का जो क्रिकेट है वो यहाँ पर भी दिखा रहे हैं आप हमें बीसीएल में. हो जाए कंटिन्यू दैट. कम ऑन द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ बीसीएल. बहुत
साथ ही बड़ा छक्का मारा पुरु ने। लास्ट बॉल बोल्ड, आखिरी बॉल में भी विकेट लेके गए हैं सोलन कोला। 131 रन बटोरे राउडी बैंगलोर ने, यानी कि 132 का टारगेट दिल्ली ड्रैगन्स को। आप ये स्कोर तो मतलब बना पाओगे, चेस कर पाओगे, पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि कितने ओवर्स हैं? I think 131 will be 7-7 overs. दसवां ओवर यहाँ पर पूरा होता है। अपनी इनिंग पूरी करने के बाद राउडी बैंगलोर का स्कोर 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर। Come on बैंगलोर, come on, इज्जत रखना, इज्जत का सवाल है ये, इज्जत का सवाल, come on, go for it, पूरे जोश के साथ। जो जोश बैटिंग के टाइम पे मिसिंग था, वो जोश अभी फील्डिंग के टाइम पर दिखाना है। Come on, go for it. चलिए आई बाबा साई बाबा दोनों को याद कर लिया है करण वाही ने और साथ ही आदेश चौधरी ने। Come on, चौधरी। चौधरी प्ले बॉल। पहले से ही लाइन एंड बिगड़ी हुई है। कम ऑन बॉयज, कम ऑन मस्की, ऐसी फुसकी बॉल नहीं मारनी है, मस्की बगा मस्की। क्या बात है, क्या बात है, कम ऑन बॉयज, अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं श्रीकांत मस्की। Well bowled मस्की। लगता है करण वाही वार्म अप हो रहे हैं। एक बार लेकिन वाही मूड में आ जाए, किसी मस्की के ना है बस की। असलम लीड कर रहे हैं बैंगलोर का ये अपील अभियान। Underestimating the entire rowdy Bangalore team. This is not good. And what are you talking about? अच्छा बोले हैं आपके पास जिसको भेज रहे हो चैलेंज करने? Of course हैं. Come on यार, हम लोग बेवकूफ तो हैं नहीं ना? खेलो ही मत ना मैच फिर, जीत ले लो, ले लो. He is out. It's complete. No, it's out. छक्का। पहला ओवर खत्म हो जाने पर 13 रन बन चुके हैं। पुरु उतरे हैं बॉलिंग करने के लिए, दैट इज वाई आई एम श्योर ये ओवर थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। चौधरी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। सबको आदेश से एक करारे छक्के की उम्मीद। भाई सेम बॉल, सेम बॉल, सेम बॉल। और ये करारा छक्का।
जवाब बताऊं मैं तुम्हें? बताइए। इतने छक्के पड़ेंगे और यहाँ पे बाकी फिर लंदन स्टैचू खेलेंगे, खड़े रहेंगे ना अपनी जगह पे। ओवर का दूसरा छक्का। दूसरे ओवर की समाप्ति पर 25 रन्स फॉर नो लॉस। शैलेश करेंगे अगला ओवर। उसकी रेडी ना? यस। ओह गुड बॉल शैलेश, फैंटास्टिक, दिस इज अ बॉल। अब फाइनली आशिता, खुश तो बहुत होगी तू। आशिता बहुत अपसेट हो गई थी इसके पहले। आशिता आज फिर से उनकी शाइनी शॉर्ट्स पहन करके आई हैं। किशोर की जहाँ पर शाइनी कैप जो है वो उनके लिए लकी साबित हो रही है, शायद आशिता की शाइनी शॉर्ट्स उनके लिए अनलकी साबित हो रही है। आउट या फिर छक्का? आई वांट टू सी द रिप्ले। आई थिंक आशिता का पैर बाउंड्री पे लग गया था। आई एम टोटली श्योर। हैव अ लुक एट दैट। पतिदेव ने बॉलिंग कराई, धर्मपत्नी अभी तो धर्म पकड़ा। आशिता का पैर बाउंड्री पर टच हो गया था। कोई नहीं आशिता, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। मस्त है कि बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं BCL में जिन्होंने कैचेस पकड़े हैं। तीसरे ओवर की समाप्ति पर 44 रन्स फॉर नो लॉस। बैंगलोर की कैप्टन सारा करेंगी अगला ओवर। BCL रूल्स के अकॉर्डिंग पहले चार ओवर में लड़की का एक ओवर होना जरूरी है। ओवर यहाँ पर पूरा हो चुका है, 76 रन बन चुके हैं, सो नो लॉस। लाइक यू आर नो वर्क, नो यू आर जस्ट कमिंग इन बिटवीन द ग्राउंड एंड अच्छा प्लेयर, व्हाट डू यू मीन टू से दैट? यू आर अंडरएस्टिमेटिंग द एंटायर राउडी बैंगलोर टीम, दिस इज नॉट गुड। नो आई एम नॉट अंडरएस्टिमेटिंग, आई एम जस्ट, यू आर, नो यू आर सेइंग अगेन एंड अगेन दैट यू डोंट हैव गुड टीम, दिस इज व्हाट योर टीम इज एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अच्छा बोले हैं आपके पास जिसको भेज रहे हो चैलेंज? ऑफ कोर्स है, कम ऑन यार, हम लोग बेवकूफ तो है नहीं ना। यू थिंक वी आर स्टूपिड हियर एंड वी आर प्लेइंग द गेम हियर एंड वी आर प्लेइंग क्रिकेट हियर, यू नो वी आर नॉट हियर टू टॉक रॉन्ग। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर लूजिंग एंड ऑल दैट, बट इट्स ओके, यू आर लूजिंग एंड ऑल दैट, व्हाट डू, व्हाट व्हाट डज दैट मीन? दिस इज नॉट द वे, कम ऑन यार, चेन्नई, होल्ड ऑन यार, कम ऑन यार, डोंट टॉक लाइक दैट, कम ऑन। हां तो जीतो ये तो मैच ही मत खेलो ना, खेलो ही मत ना मैच, फिर जीत ले लो, ले लो। सारा जस्ट गेटिंग अपसेट बिकॉज़ शी इज लूजिंग। बोला कि मेरी टीम को अंडर एस्टिमेट मत करो, ऐसे और करने की क्या जरूरत है, जो सामने हुई, आई एम ओनली सेइंग अ फैक्ट राइट। ईश्वर की खुशी सारा से देख ही नहीं गई।
लो यार कीश्वर, इतनी दूर से हमें डांस दिखाई नहीं देता, जरा पास में आके डांस किया करो। सारा जमाना भी तो देखे कि आप कैसे डांस कर रही है। वहां खड़ा करवा के नचवाऊं? पांचवा ओवर पूरा हो चुका है, 100 रन शतक पे दिल्ली ड्रैगन्स। किश्वा यू फील्ड पर आ रहे हो, आप लोग टीम जीत रही हो तो आप लोग फील्ड पे नहीं आते? नहीं नहीं, हम लोग ऐसे नहीं आते, पिच पे नहीं आते, पिच पे मैं आता ना। आप पे बॉल वॉल लग गई मुंह पे तो फिर कहोगे मार दिया गुस्से में, बॉल वॉल मुंह पे लग गई तो। ईश्वर की खुशी सारों से देख ही नहीं गई, एक और कैट फाइट। यू नो व्हाट, क्या होता है ना, असली में तो पारस जब भी किसी चीज को छूता है सोना बन जाता है, लेकिन उसने बैंगलोर की टीम को छुआ है, लूजर बन गई बैंगलोर की टीम। That might be because पारस मनी has not got any money। और अब आ गया है चैलेंज ओवर। नॉर्मल डांस मार, अभी तो उसको लेफ्ट की प्रॉब्लम है, समझ नहीं, नॉर्मल खेल ना, मारने का प्रेशर ले, मान ले 32 खत्म कर दे, मने नहीं 12 ले ले, 16 ले ले, 16 ले ले, बन गए तो अपना रन रेट बहुत ऊपर हो जाएगा, मैं 16 ले ले। सेलेश गुलवानी में 16 रन चैलेंज हुआ, 16 रन चैलेंज, बोलर नेम इज शैलेश। शैलेश को चुना है दिल्ली ने 16 रन के लिए, चैलेंज पूरा हुआ तो 32 रन, नहीं तो जीरो। शानदार छक्का यार कीश्वर, इतनी दूर से हमें डांस दिखाई नहीं देता, जरा पास में आके डांस किया करो। सारा जमाना भी तो देखे कि आप कैसे डांस कर रही हैं। वहां खड़ा करवा के नचवाऊं? इस छक्के के साथ आदेश की भी 50 पूरी हुई, 12 रन हो गए हैं, 4 रन और चाहिए चैलेंज जीतने के लिए। सारा का सेमीफाइनल में जाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा लगता है। मैच को खलास कर दिया दिल्ली ड्रैगन्स ने, 132 रन्स फॉर नो लॉस। दिल्ली ड्रैगन्स जीत चुके हैं आज का ये मैच पूरे 10 विकेट से। व्हाट अ गेम! हार जीत चली रहती है, हमने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की, नहीं हुआ, सो हार्ड लक यार, इट्स ओके। दिल्ली ड्रैगन्स अपने चारों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर है नंबर एक पोजीशन पर, फॉलोड बाय जयपुर राज जोशीले, और नंबर तीन पर है पुणे अनमोल रत्न। एंड नाउ वी हैव सम प्रेस्टीजियस अवार्ड्स टू गिव अवे। आवर फर्स्ट अवार्ड ऑफ द इवनिंग इज द रॉकले प्लेयर ऑफ द मैच मेल आदेश चौधरी, एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड मे आई प्लीज कॉल अपॉन डॉक्टर दिवाकर शेट्टी, Executive Director, Rockley Group. And the next award is Rockley Player of the Match, female, goes to Priya Walt. Moving on to the next award, which is ED Smartest Woman of the Match. ED Smartest Woman of the Match award goes to Sarah Khan. And now, Fog, Coolest Player of the Match. Karan Bhai for 54 not out and 1 wicket for 23 runs. Easy's Most Stylish Player of the Match, and that is Ashish Sharma. So guys, thank you for watching. Rockley presents BCL, co-presented by Lawman Page 3, associate sponsors Hyundai and ED Smart Cooktop. To please get ready for your selfie moment with the Fog Wall. सोमवार को आमने सामने होंगे चंडीगढ़ कब्स और अहमदाबाद एक्सप्रेस। मैं अहमदाबाद टीम को एक चीज बोलना हूँ, घर जाओ यार, हो गया, हम यहाँ पर उखाड़ जाए।
70 सात ओवर में इनको खत्म करना हम लोगों को, जहां दोनों टीम्स सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कुछ भी कर गुजरने को होंगी तैयार। वसी की बॉल पे उड़ा रहे हैं हसी अहमदाबाद वाले। मुझे BCL से प्यार है क्योंकि अभी तक लड़के इतने चौड़े घूमते हैं ना, धोतियां उतार दी उनकी लड़कियों ने। थैंक यू वेरी मच, लेट्स गेट यू गाइस टू योर डगआउट्स। कैप्टन स्टे विद अस। ये है हमारा बॉलीवुड सिक्का, एक तरफ है बंटी तो दूसरी तरफ है बंटी और बबली, बंटी और बबली। राउडी बैंगलोर ने चूज किया था बंटी और सिक्का बोल रहा है बबली, तो क्या कहती है दिल्ली? I'll थोड़ा सा चेंज माई strategy, I'll go for bowling first. Thank you very much and good luck to both teams. Let's get to the match. BCL में होंगी 10 ओवर की बाजी और इस बाजी को खेलने के लिए टीम में 8 लड़के और 3 लड़कियां होनी जरूरी है। बैटिंग करते हुए 4 पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना है जरूरी और ऐसे ही बॉलिंग करते हुए पहले 4 ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है, ओवर 5 या ओवर 6। बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है और चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको 0 रन्स। वैसे दिल्ली बहुत दूर है क्योंकि अभी तो हमारी जेब में, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी टीम है बट मुझे नहीं लगता कि वो 10 ओवर के मैच में 5 ओवर से ज्यादा टिक पाएंगे। जय करा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। ऑलराइट देन, इट्स दिल्ली वर्सेस राउडी बैंगलोर। यू नो व्हाट रुचि, हां पार्षद, यार दिल्ली वालों ने इतनों की राउडीनेस निकाली है, धो डाला है, लेटा लेटा के लिए। ये बैंगलोर तो क्या ही चीज। क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं आज राउडी बैंगलोर मैदान में, पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं, राउडीनेस में जाने के लिए आ रहे हैं। ये बात मैं मानती हूँ। इतना डिमोटिवेट मत करो यार। सारा के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा है, सारा चिंता में है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता आ राइट मोटिव प्ले बॉल। सलील अंकोला इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन BCL, अभी देखना कैसे पकौड़े लगाते हैं बैंगलोर के। वाला बॉल भैया, सुपर्ब, व्हाट अ स्टार्ट, व्हाट अ स्टार्ट। पहले बॉल पर कोई रन नहीं, क्या कर रहे हो राउडीज, कुछ करो कुछ करो, थोड़ा राउडी बना दिखाओ। हो गई है और अभी तक बैंगलोर ने खाता नहीं खोला है। सिंगल लो यार। अंकित बेटा, एक्स इंडियन टीम के बॉलर को खेलना इतना आसान नहीं है। क्या बात है सरल भैया, क्या बात है। राउडीज बॉक्स 10 को टेस्ट मैच की तरह खेल रहे हैं। सलील अंकोला का खौफ है भाई। लगता है ये ओवर मेडन ओवर होने वाला है। ड्रैगन्स का बहुत खौफ है राउडीज को। पकड़ इसी बॉल,
मेड एन ओवर, पहला ओवर और एक भी रन नहीं बना पाए। तुमसे ना पाएगा जितने कमाल है यार। सलिल अंकोला, सलिल भैया ऐसे थोड़ी बोलते हैं इनको। पारस, पहला ओवर मेड एन ओवर था और मैं यहाँ सुन रही हूँ कि डगआउट में आप लोग थोड़े नाराज हैं कि सलिल अंकोला जो एक एक्स क्रिकेटर हैं। ऑफ कोर्स ही इज अ एक्स क्रिकेटर और अभी एक्टिंग में आ चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक प्रोफेशनल को वहाँ पे खिलाया जा रहा है अभी हमारे अगेंस्ट, जो कि बहुत ही गलत है। पहला ओवर मेड एन ओवर, माई गॉड, एंड BCL का पहला प्रॉपर मेड एन ओवर। बैटिंग एंड पे आए हैं अब सैलेश, देखते हैं ये क्या गुल खिलाते हैं। नो बॉल, टू रन। एक्चुअली चौधरी अपने टीम वालों को बोलना चाहते हैं, नो बॉल ओनली बैट, मैं बैटिंग ज्यादा अच्छी करता हूँ। मिस होना, ऐसा ना होना, ये एक्शन रिप्ले में किस तरह से ये कैच मिस हुआ है कैप्टन सुयश के हाथों से। सुयश ने ड्रॉप किया, हाउ कुड ही, ये होता है पार्टी करो और करो पार्टी। सुयश पार्टी करके आया, पूरी टीम ने पार्टी किया कल। थर्ड अंपायर पे चली गई है बात, देखते हैं क्या डिसीजन होता है। लगता है बाल बाल बच गए सैलेश। नॉट आउट, नॉट आउट। भाई लोगों की टीम से हैं जो बहुत दादागिरी करते हैं फील्ड पे, एक भी रन उन्होंने बैट से नहीं बनाया, दो ओवर्स हो चुके हैं, अगर उन्हें रन्स मिले तो वाइड्स के रन्स मिले, नो बॉल के रन मिले, लेकिन बैट से एक भी रन नहीं बना। दूसरा ओवर पूरे हो जाने पर 15 रन है जो कि राउडी बैंगलोर के पास में आ चुके हैं, चलो कम से कम 17 रन तो बना ही लेंगे, 17 से ऊपर तो पहुंच ही जाएंगे। पहला रन है ये जो कि राउडी बैंगलोर ने बनाया है, ये पहला रन है। आई थिंक हमारे आज ऑडियंस में भी सब दिल्ली फैंस बैठे हुए, दिल्ली सपोर्टर्स बैठे, क्यों दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं क्या यहाँ पर बैठे हुए? यार जब बाउंड्री पे श्रुति खड़ी हो दिल्ली को कौन सपोर्ट ना करे। लेकिन ऐसा नहीं है यार, सारा खान, चेष्टा, आशिता, ये सब के सब नहीं। बैंगलोर के डगआउट में भी तो खड़े हैं। श्रुति, एकता और प्रिया के सामने सब फेल है। क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम ये कह रहे हो कि इनके सामने सारा फेल है, आशिता फेल है, चेष्टा फेल है? डोंट मेक अ पर्सनल कमेंट। अरे क्या बोला मैंने सर? रन तुमसे नहीं बन रहे, हम पे क्या जोड़े हो रहे हो? हमारे सामने अपना ये झगड़ा निकालने के बजाय वही अग्रेशन फील्ड पे दिखाई दे तो ज्यादा अच्छा नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गेम। रन बन रहे होते सब सही हो रहा होता। डोंट टेक माय नेम, डोंट टेक माय नेम, डोंट टेक माय नेम। पर्सनल कमेंट है ही नहीं, गेम की बात हो रही है कि इनके सामने आप लोगों का गेम नहीं टिकेगा, आप उसको पर्सनल। ही इज गिविंग आउट द राइट डिसीजंस। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, वी विल हैव टू ऑफ कोर्स लिसन टू द एंपायर, भले अगर एंपायर को खुद को क्रिकेट ना आता हो तो क्या फर्क पड़ता है। प्यार से बॉल पीछे वाली बाउंड्री पे, दो रन मिलेंगे। सेवेंथ ओवर की समाप्ति पर 75 रन फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स। हम आने वाले ये जो 3-4 ओवर बाकी हैं उसमें प्रूव कर देंगे कि हम 170 प्लस या 180 प्लस मार दें तो ये गेम हम डेफिनेटली जीत सकते हैं। आखिरी 4 ओवर में लड़की को एक ओवर करना जरूरी है, ये गर्ल ओवर कर रही है प्रिया वाल, बैटिंग पर है सारा। बहुत आसान कैच था ये। दिल्ली वाले सेलिब्रेशन मोड में ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हें लग गया है कि राउडीज 100 रन के ऊपर स्कोर नहीं बना पाएंगे। श्रीकांत मस्ती आए हैं सारा की जगह, प्रिया का ओवर कंटिन्यू होगा।
वाले स्ट्रेट बॉल्स। And shot, see that chakka. Team Bangalore girl का फायदा उठाकर कुछ runs इकट्ठे कर सकते हैं। Super chakka. कहाँ चली गई भाई ball आखिर? Score after 8th over, 103 runs for the loss of 3 wickets. सो तो पार कर गए राउडी बैंगलोर। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो कि सट्टे हार गए होंगे क्योंकि सब लोगों ने यही कहा था दिस 17 बनाए चल 25 पे तो ऑल आउट हो ही जाएंगे। अच्छा 25 नहीं चल तेरी ना मेरी 50 पे ऑल आउट हो जाएंगे। चलो 100 बन गए थैंकफुली। 200 बनाएंगे फर्स्ट राउंड में फर्स्ट मैच में। अरे वो रात गई बात गई सारा रात गई बात गई ना 17 भी क्यों गिने जा रहे हो यार। चलिए आज देखते हैं आज रात की बात देखते हैं कैसी होती है। चलिए मस्की तुमसे ना खेली जाएगी सुयश की बॉल। अभी मैं देखना चाहती हूँ मस्की भी ऐसे मारे बॉल को कि मसक कली की तरह बॉल उड़ करके बाहर चली जाए। कम ऑन मस्की वी वांट टू सी मसक कली। थर्ड अंपायर साहब डिसाइड करेंगे कि रन आउट है या नहीं। शायद बच गए। Not out, rowdies ले सकते हैं चैन की सांस। पंगा मत ले वरना बैंड बज जाएगा। इजाज भाई, आप कविता के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? हाँ। यहाँ पे टीम को आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप वहाँ पे कविता को सपोर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप ये इजाज? I don't need support. अरे रुचि जी काई को आप काई के लिए आज सुबह सुबह कुत्ता खा के आई है क्या? वेजिटेरियन हूँ मैं एजाज पक्की वेजिटेरियन। हर बिल में हाथ नहीं डालने का सब में चूहा नहीं होता किसी किसी में सांप भी होता है काट लेता है। क्या वो आप हैं? बट आई लव यू रुचि। अरे एक मिनट रुकना यार। चलो कम ऑन सर कम ऑन कम ऑन। Superb shot, 6 runs. एक छक्के से एजाज इतने एक्साइटेड हो गए हैं सीधा फील्ड पे पहुंच गए हैं। क्या पुरु मेरी जान इसको मारा छक्का। इतनी लंबी आउट स्विंग मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है। रीप्ले में एक और बार दिखाएंगे इसे। यार मैं इस बात पे पक्का कह सकता हूँ कि इसके बाद कॉल आने वाला है किसी ना किसी का BCCI से कि ये लड़का हमें चाहिए ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए। सुयश इंडिया नीड्स यू ब्रो। सुयश इंडिया नीड्स यू ब्रो। 9th ओवर के बाद स्कोर 115 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर एक बार फिर से पुरु हो जाते हैं शुरू तो गुरु ये मैच जो है उसमें अभी भी ट्विस्ट आ सकता है। 6 बॉलें भी बहुत कुछ बदल सकती हैं। बट सलील भैया की बॉलिंग पे ये होना थोड़ा मुश्किल है। यस द हाईएस्ट विकेट टेकर। रन आउट ना पड़े किसी के पल्ले तुमसे ना पाए। मस्की हो गया है फुस्की अब कौन आएगा लेने जगह उसकी। मस्की की जगह आए हैं असलम भाई। हमारे लिए बहुत कम है तो जब तक ये लोग थोड़ा स्कोर नहीं बनाएंगे तो चेज कैसे करेंगे। Thank you.
सलील भैया, इंटरनेशनल लेवल का जो क्रिकेट है वो यहाँ पर भी दिखा रहे हैं आप हमें बीसीएल में. हो जाए कंटिन्यू दैट. कम ऑन, द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ बीसीएल. बहुत ही बड़ा छक्का मारा पुरु ने. लास्ट बॉल बोल्ड. आखिरी बॉल में भी विकेट लेके गए हैं सलील अंकोला. 131 रन बटोरे राउडी बैंगलोर ने, यानी कि 132 का टारगेट दिल्ली ड्रैगन्स को. आप ये स्कोर तो मतलब बना पाओगे, चेज कर पाओगे, पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि कितने ओवर्स में? I think 131 will be 7-7 ओवर्स. दसवां ओवर यहाँ पर पूरा होता है. अपनी इनिंग पूरी करने के बाद राउडी बैंगलोर का स्कोर 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर. कम ऑन बैंगलोर, कम ऑन, इज्जत रखना, इज्जत का सवाल है ये, इज्जत का सवाल. कम ऑन, गो फॉर इट पूरे जोश के साथ. जो जोश बैटिंग के टाइम पे मिसिंग था, वो जोश अभी फील्डिंग के टाइम पर दिखाना है. कम ऑन, गो फॉर इट. चलिए, आई बाबा साई बाबा दोनों को याद कर लिया है करण बाही ने और साथ ही आदेश चौधरी ने. कम ऑन चौधरी, प्ले बॉल. पहले से ही लाइन एंड बिगड़ी हुई है. कम ऑन बॉयज, कम ऑन मस्की. ऐसी फुसकी बॉल नहीं मारनी है, मस्की बगा मस्की. क्या बात है, क्या बात है. कम ऑन बॉयज, अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं श्रीकांत मस्की. Well bowled Musky. लगता है करण वाही वार्म अप हो रहे हैं. एक बार लेकिन वाही मूड में आ जाए, किसी मस्की के ना है बस की. असलम लीड कर रहे हैं बैंगलोर का ये अपील अभियान. Underestimating the entire rowdy Bangalore team. This is not good. And what am I talking about? अच्छा बोले हैं आपके पास जिसको भेज रहे हो चैलेंज करने? Of course हैं. Come on यार, हम लोग बेवकूफ तो हैं नहीं ना. खेलो ही मत ना मैच, फिर जीत ले लो, ले लो. He is out. It's complete. No, no, it's out. छक्का. पहला ओवर खत्म हो जाने पर 13 रन बन चुके हैं. पुरु उतरे हैं बॉलिंग करने के लिए, दैट इज वाई आई एम श्योर ये ओवर थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है. चौधरी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं. सबको आदेश से एक करारे छक्के की उम्मीद. भाई सेम बॉल, सेम बॉल, सेम बॉल.
और ये करारा छक्का। चौधरी साहब के बारे में बात बताऊं मैं तुम्हें? बताइए। इतने छक्के पड़ेंगे और यहाँ पे बाकी फिर लंदन स्टैचू खेलेंगे, खड़े रहेंगे ना अपनी जगह पे। ओवर का दूसरा छक्का। दूसरे ओवर की समाप्ति पर 25 रन्स फॉर नो लॉस। सलेश करेंगे अगला ओवर। उसकी रेडी ना? यस। ओह गुड बॉल सलेश। फैंटास्टिक, दिस इज द बॉल। अब फाइनली आशिता, खुश तो बहुत होगी तू। आशिता बहुत अपसेट हो गई थी इसके पहले। आशिता आज फिर से उनकी शाइनी शॉर्ट्स पहन करके आई है। किशोर की जहाँ पर शाइनी कैप जो है वो उनके लिए लकी साबित हो रही है, शायद आशिता की शाइनी शॉर्ट्स उनके लिए अनलकी साबित हो रही है। कैच आउट या फिर छक्का? I want to see the replay. I think आशिता का पैर बाउंड्री पे लग गया था। I'm totally sure. Have a look at that. पति देव ने बॉलिंग कराई, धर्म पत्नी अभी तो धर्म पत्नी। आशिता का पैर बाउंड्री पर टच हो गया था। कोई नहीं आशिता, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। मस्त है कि बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं BCL में जिन्होंने कैचेस पकड़े हैं। एग्जैक्टली आशिता, वेरी वेल डन आशिता। गिव अप फॉर आशिता। आशिता यू आर द वन। तीसरे ओवर की समाप्ति पर 44 रन्स फॉर नो लॉस। बैंगलोर की कैप्टन सारा करेंगी अगला ओवर। BCL रूल्स के अकॉर्डिंग पहले चार ओवर में लड़की का एक ओवर होना जरूरी है। ओवर यहाँ पर पूरा हो चुका है। 76 रन्स बन चुके हैं फॉर नो लॉस। लाइक यू आर नॉट वर्क नो, यू आर जस्ट कमिंग इन बिटवीन द ग्राउंड एंड अच्छा प्लेयर। व्हाट डू यू मीन टू से दैट? यू आर अंडरएस्टिमेटिंग द एंटायर राउडी बैंगलोर टीम। एक्चुअली ले रहे हैं, दैट्स योर माइंडसेट। दादागिरी जो भी करना है उन्हें, वो मैच के पहले करे या बात करे, ये क्रिकेट मैच है, खेल के दिखाएं, तब हम समझेंगे कि वो अच्छे प्लेयर हैं। है धासु एटीट्यूड वाली है, जो था मैं हम बल्ला तो समझो दिवाली है। बचपन में बोला जाता था ना कि खुद से कंपटीशन रखो, अगर अगर बैंगलोर का खुद से कंपटीशन होता तो जरूर आज खुश हो रहे होते, क्योंकि 18 रन पे पहुंच गए बैंगलोर, 17 पे ऑल आउट नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ जी, रोक सको तो रोक लो, दिल्ली वालों सबको ठोक लो। भाई हमारा तो काम जले पर नमक छिड़कना है, अब बस आशिता रोने ही वाली है।
ऑलराइट, धीरे धीरे स्लोली टिके रहना है पुरु, नॉट बैड, गोइंग ग्रेट. पुरु एक बार मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं. 89 रन्स बनाए थे उन्होंने उस मैच में जिसमें पुरु छिब्बर मैन ऑफ द मैच बने थे. तीसरा ओवर पूरा होने पर 18 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर. BCL रूल्स के अकॉर्डिंग पहले 4 ओवर्स में से एक लड़की को ओवर करना जरूरी है. श्रुति उल्फत करेंगी अब ये गर्ल ओवर. लो जी, अब तो लड़की की बॉल भी नहीं खेली जा रही राउडी से. नोटिस की रुचि वही जो तुम कह रही हो, अभी तक 3 ओवरों में एक बार भी किसी ने बैंगलोर को सपोर्ट नहीं किया था. द मोमेंट एजाज भाई एंटर्ड, सब एजाज भाई के हो गए. अभी तो है एक नंबर, एक नंबर. थोड़ी सी चेयरिंग ही सही जो एजाज के कारण यहाँ पर हो रही है. मे बी उसके कारण थोड़ा मनोबल बढ़ जाए और बल बढ़ जाए बैटिंग में. लड़की की बॉल पर ही सही, लेकिन छक्का तो लगा. पहला छक्का, रिप्ले में देखिए. ये रिप्ले देखना बनता ही है यार, कभी कभार ही होता है ऐसा. लड़की की बॉल पे छक्का मार के इतने खुश हो रहे हैं, पर बनता है इनका 17 पर जो ऑल आउट हो जाते हैं, तो उनके लिए तो हर रन ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओ भाई साहब, इतना लंबा छक्का. एक और छक्का, व्हाट अ फ्लैबरगेस्टिंग शॉट. चौथा ओवर पूरा हो चुका है. 43 रन्स पे राउडी बैंगलोर फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और अब आ गया है चैलेंज ओवर. अरे भाई क्या कर रहे हो? पुरु पुरु दोबारा मैं बोलता हूं, ये स्ट्राइक लेना, ये मार सकता है, पता है मुझे. देख अगर रिस्क नहीं है तो चार रन मुझे बनाऊंगा. 10 करण भाई, 10 रन करण भाई. चैलेंज हुआ, 10 रन चैलेंज है. बोलो द मिस करण वाहिद. 10 रन का चैलेंज दिया है करण वाही को. चैलेंज पूरा हुआ तो 20 रन, नहीं तो इस ओवर में 0 रन बैंगलोर के. जोरदार छक्का. 10 रन का चैलेंज एक तो लिया है इन लोगों ने, सिर्फ 10 रन का, बिकॉज़ दे थॉट कि 10 रन भी शायद ही बना पाए. और वाही की बॉल पर हम लोगों ने बना लिया, तो मैं वाही को बहुत मानूंगी. ओहो, सूरज आ गया. इसकी बॉल दिखती नहीं भाई, इसने 12 ओवर में 6 रन दिए. एजाज भाई, आप कविता के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं. यहाँ पे टीम को आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप वहाँ पे कविता को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप एजाज? आज सुबह सुबह कुत्ता खा के आई है क्या? हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता, किसी किसी में सांप भी होता है, काट नहीं था. दस रन का चैलेंज, छक्का ऑलरेडी लग चुका है. कम ऑन बैंगलोर, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन, गो फॉर इट. पांचवा ओवर पूरा होने पर 63 रन बन चुके हैं फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. राउडी बैंगलोर टीम का चैलेंज जीतने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है. चौधरी साहब आ गए. उस दिन एजाज भाई अकेले थे दिल्ली के अगेंस्ट, आज पूरी टीम है. प्ले बॉल. क्या स्विंग कर रही है बॉल, उफ है. एग्रेशन है धासु, एटीट्यूड मवाली है, जो था मैं हम बल्ला को समझो दिवाली है. रफ्तार हमारे बॉलर सुना पड़े किसी के पल्ले. सच बताऊं तो उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है. हमारे बैट्समैन भी अच्छा खेल रहे हैं, अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं. फिलहाल तो सिचुएशन थोड़ी सी डावाडोल है. चलिए, तो जैसे पहले 4 बैट्समैन में से एक लड़की का होना जरूरी होता है, तो अब समय आ गया है एक लड़की के बैटिंग पर आने का. सारा बोझ अब सारा पर. नन्नी सी जान सारा, चौधरी की बॉल कैसे झेल पाएंगी?
क्या बात है, गुड रन सारा, गुड रन सारा। सारा ने बहुत अच्छा खेला, उसने आदू की बॉल खेली और रन लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। बट आई थिंक आदू जैसी फॉर्म में आएगा सबके सब उड़ने वाले हैं। कोई नहीं, कम ऑन बॉयज। छठा ओवर पूरा हो चुका है, 72 रन्स बन चुके हैं एंड दो विकेट जा चुके हैं। ओहो, सुरेश आ गया। कोई बात नहीं यार। इसकी बॉल दिखती नहीं भाई, इसने 12 ओवर में 6 रन दिए। सुयश की बॉलिंग का आतंक, डॉट बॉल। सुयश के ओवर में चौके छक्के लगना तो मुश्किल है, बस विकेट बचा के बैंगलोर। फुल ऑन आउट की अपील कर दी है दिल्ली ने। हाउ वाज दैट नॉट आउट? ये नॉट आउट था। कौन है सब? ऋत्विक भड़क गए हैं अंपायर पे। चलो अंपायर है। टीम दिल्ली अंपायर के नॉट आउट डिसीजन से बहुत नाराज है। इजी बॉय। I don't think. आज देखिए दिल्ली ड्रैगन्स और राउडी बैंगलोर में घमासान मैच। जहां सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार है राउडी। नॉट आउट, इट्स आउट, दैट्स इट। ओह, इट वाज क्लीन टच। एजाज भाई, आप कविता के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टीम को आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप वहाँ पे कविता को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप ये एजाज? आज सुबह सुबह कुत्ता खा के आई है क्या? हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता, किसी किसी में सांप भी होता है, काट लेता है। सारा और कीश्वर में होगी कैट फाइट। ऑफ कोर्स है, कम ऑन यार, हम लोग बेवकूफ तो है नहीं ना। खेलो ही मत ना मैच, फिर जीत ले लो, ले लो। Welcome to India's first ever sports reality entertainment show, jiska naam hai Rockley Presents Box Cricket League, co-presented by Lawman Pastry, powered by Fog Black Series. Aur aaj ka romanchak match hai between Delhi Dragons and Rowdy Bangalore. दिल्ली ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा टफ टीम है, उन लोगों की बैटिंग, उन लोगों की बॉलिंग दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। यार उनके ऊपर ना प्रेशर बहुत है, वो 3 मैच हार चुके हैं, उनके लिए डू और डाई है। यहाँ पे आज सब राउडी बैंगलोर है और जो भी करेंगे हम मिलके करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो रहेंगे अपने पिच पे नहीं करेंगे, बकवास करेंगे, बकवास बोलेंगे हम लोगों को, तो दोनों बैट्समैन ने साइड पे हट जाना और पिच पे बैठ जाना, मतलब काम करो तुम खत्म। आज का सारा राउडीनेस हमें हमारे बैट पे और बॉल पे निकालना है और फाड़ देना। सबसे पहले आ रहे हैं अब तक 3 मैच जीत चुके और सबका दिल भी जीत चुके दिल्ली ड्रैगन। इंडीज की आप लोग बहुत उम्दा खेलते हैं, इनफैक्ट आपकी तो गेंद ही दिखाई नहीं देती और आप लोगों से अब सारी टीम्स डर गई हैं, एक खौफ का माहौल आप लोगों ने पैदा कर दिया है, लेकिन इतना क्या सीरियसनेस यार? सुयश, तुम्हारे चेहरे पर तो मैंने हंसी पागलपन ये देखा ही नहीं। मेरा ये मानना है कुछ भी करो, स्पेशली क्रिकेट फॉर मी, मैं बहुत सीरियसली खेलता हूँ यार, अदरवाइज खेलने का फायदा नहीं है।
I think this is the reason Delhi तीनों मैच जीती है और जीती जाएगी. पर अभी राउडी बैंगलोर आने वाले हैं और obviously आप बहुत सीरियस हैं और वो भी बहुत सीरियस हैं, पर अलग अलग अंदाजों में सीरियस हैं. तो आप जो वो करते हैं सीरियसली, वो कैसे आप कोप करोगे इसके साथ? Well, I think ये लोगों की उनकी पूरी टीम ने पूरे BCL में सिर्फ स्लेजिंग की प्रैक्टिस की है और हम लोग क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं. सो जिन जिन ने जो जो प्रैक्टिस किया हम वो करेंगे. लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो बैंगलोर की टीम है उन्हें स्लेजिंग करने का मौका कब मिलता है? 17 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं, 2 ओवर में बनाते हैं, तो 15 मिनट में कितनी स्लेजिंग करें? ऐसे करते हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं और आपको खुद ही पता चल जाएगा कब उनको वक्त मिलता है स्लेजिंग का. बिना कोई वक्त अब जाया किए हम बुलाते हैं. 2 ओवर में शायद आउट हो जाएंगे ये लोग. राउडी बैंगलोर टीम. अधूरी अधूरी सी नहीं लग रही इनकी टीम? बहुत ज्यादा. कविता देखो कौन मिसिंग हो सकता है. आपके फेवरेट एजाज. देखिए ऐसा है, हमने राखी और एजाज को ना बाहर भेज दिया थोड़ा घूमने के लिए. आपने उन दोनों को एक साथ भेज दिया है तो फिर तो वो एक पूरी क्रिकेट टीम लेकर ही वापस आएंगे. अरे ये क्या किया आपने, इतने सारे राखी और एजाज नहीं. तारा आप तो सपने लेके आए थे यू नो जीतने का. अभी भी हम पूरी तरह हारे नहीं हैं, अभी भी हमारा एक मैच बाकी है. सारा आज आपके सामने दिल्ली ड्रैगन्स हैं. ऑफ कोर्स यस, लुक एट द फेसेस, कितने डरावने लग रहे हैं ऑलरेडी, इतने गुस्से में देख रहे हैं. जाएंगे हमें यार, ऐसे मत कर. देखिए ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है ना, तो हम पानी की बोतल साथ लाएं पानी डालने के लिए उसके ऊपर. पानी से आग नहीं बुझेगी. बुझेगी बुझेगी ना, अच्छे खेल से बुझेगी. ये हम जरूर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह इस मैच में. राइट. क्योंकि आज डू और डाई सिचुएशन है, सो वी हैव टू फेस दैट. सो लेट्स गेट द अदर टीम इन. दोनों टीम्स आमने सामने हैं, तो अब बिना कोई वक्त जाया किए मैं आपके सामने लाऊंगी हमारा फॉग हियर टू डेयर. और उसके लिए राउडी बैंगलोर से सामने आ जाएं चेष्टा और दिल्ली ड्रैगन से कीश्वर आ जा बेबी. हमारा आज का फॉग हियर टू डेयर है, मार दिया जाए या फोड़ दिया जाए. घबराइए मत, आप दोनों को एक दूसरे को मारना या फोड़ना नहीं है. आप दोनों के पाँव में कुछ गुब्बारे बांधे जाएंगे और आपको अपने गुब्बारे बचाते हुए दूसरे के गुब्बारे फोड़ने हैं, पाँव से हाथ से नहीं. अगर कीश्वर सारे गुब्बारे अगर चेष्टा के फूट जाते हैं तो मतलब आप जीत गई, और अगर आप सारे इनके फोड़ देती हैं या ज्यादा फोड़ देती हैं तो आप जीत गई. आइए जी गुब्बारे बांधिए. Ready to go and 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations!